भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग आ गए। मैं एक और नई वीडियो में आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं ग्रेनी चैप्टर 3। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने किया था ग्रेनी चैप्टर 3 में डोर एस्केप, बट भाई आज हम करने वाले हैं ट्रेन एस्केप, जिसमें भी आपको काफी ज्यादा मजा आ जाने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और भाई जिसने ग्रेनी चैप्टर 3 का डोर एस्केप नहीं देखा हो तो भाई आई बटन में मैं आपको एक लिंक मिल रही होगी भाई, आप उस पर जाके टैप करके देख सकते हो, तो जो कि भाई आपको उसमें भी मजा आ जाने वाला है। तो देखो अभी भाई हमारा स्टार्ट हो चुका है गेम, और आपको भाई जिसने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी उसको तो याद होगा कि भाई इंट्रो कैसा है, पर जिसने नहीं देखी इसलिए मैं एक और बार आपको इंट्रो चला देता हूँ। तो देखो भाई ऐसे हमारा बच्चा कुछ भाई अंदर जाता है इस घर के, और भाई ऊपर की तरफ लगा हुआ है कैमरा, और भाई इस कैमरे से बच के हम निकलते हैं आगे की तरफ, और भाई हमको यहीं पर आगे की तरफ देख लेता है कौन भाई कौन ग्रैंडफा। भाई आपको एक ये नदी जैसी दिख रही होगी, और जिसको पता नहीं है कि इस नदी में क्या होता है तो मैं बता देता हूँ भाई, इस नदी के अंदर रहता है क्रोकोडाइल, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजर होता है और वो हमको भाई काट भी सकता है, तो भाई उससे भी थोड़ा बच के रहना पड़ता है। वैसे भाई जानबूझ के कौन ही नदी में कूदेगा, पर भाई देख रहे हो ना गेम बनाने वाले ने भाई पूरा सिस्टम बैठा रखा है कि अगर कोई लड़का इस नदी में कूद जाए तो भाई उसको मगरमच्छ खा जाए। चलो यहाँ पर कार खड़ी है, और मैं अभी यार गेम खेल तो नहीं रहा हूँ, अभी तो आपको इंट्रो चल रहा है आप लोगों के सामने। तो देखना भाई जैसे ही मैं पीछे मुड़ूंगा यहाँ पे और पीछे मेरे को क्या होने वाला है, देखो भाई लोग जैसा कि आपने देखा ग्रैंडफा ने भाई हमको गोली से उड़ा दिया, बट भाई अब ग्रैंडफा को पता नहीं कि भाई उसके साथ क्या होने वाला है, और भाई ग्रैंडफा ने मुझे मार के भाई पता ही क्या करा है भाई, एक रूम में बंद कर दिया। देखो आप कौन से वाले रूम में, अभी भाई हमारा डे 1 भी स्टार्ट हो गया, इसमें पूरे 5 डेज होते हैं भाई, अगर हम हार भी जाते हैं तो हमको 5 डेज मिलते हैं इस भाई पूरे गेम को एस्केप करने के लिए। तो चलो देखो मैं जल्दी से भाई इसका लॉक खोल देता हूँ, इस पिन टाइप का जो भी ये भाई हमको मिला है लॉक पिन, इससे भाई चोर खोलते हैं अपने ताले वगैरह, बाकी हम भी आज भाई चोर ही हैं गेम में। तो देखो आप यहाँ पे कुछ तामझाम बैठा रखा है जिसके अंदर कुछ तो मिलेगा अपने को, और इसके अंदर भी भाई कुछ मिल सकता है, बट मैं अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है बाहर से, तो मैं तो कहीं नहीं खोल रहा हूँ भाई इसको भी, जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्या मतलब यार खोलने से, ऊपर की तरफ चलते हैं। और भाई इस वाले डोर को मैं जल्दी से खोल लेता हूँ और देखते हैं कि भाई अंदर हमको क्या मिलने वाला है। और भाई लास्ट टाइम आपको याद होगा तो भाई डोर एस्केप में एंड्रीना को भाई लोग हमने उड़ा दिया था, मतलब भाई उसके टेडी को जैसे ही मैंने मारा था वो भी मर गई थी, तो इस बार भी मैं चाहता हूँ कि भाई वैसा ही कुछ करें हम, पर देखते हैं भाई। अभी मैं सर्च मार रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि भाई गेम स्टार्ट होते थे हम अपने काम में जुट जाते, और हमारा काम क्या है भाई बस सर्च मारना, तो भाई इधर तो कुछ भी नहीं रखा है। अभी मैं सोच रहा हूँ भाई एक बार बाहर की तरफ भी चेक कर लेते हैं, बट भाई उससे पहले मैं इधर चलने वाला हूँ, इधर की तरफ देखने वाला हूँ कि हमको क्या मिलने वाला है ये वाले के अंदर। ओके भाई यहाँ पे वेपन की है, जो कि भाई काफ़ी सही बात है, वेपन की भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस गेम में। इस वाले लॉकर में भाई एक कोकोनट, ओके कोकोनट को मैं ले लेता हूँ जिसके अंदर से कुछ ना कुछ मिलेगा। अब भाई मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जिसने ग्रेनी 1 नहीं देखा हमारी प्ले लिस्ट में जाके आप भाई ज़रूर से ग्रेनी 1 देखो, उसके अंदर भाई एक रहता है अपना वाटर मेलन, और वाटर मेलन के अंदर हमको मिलती है की, तो भाई इस कोकोनट के अंदर भी भाई बनी सी बात है कि कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है भाई, नॉर्मल सी बात है। तो चलो भाई चलते चलते एक बार मैं इधर भी चेक कर लेता हूँ कि कार के अंदर क्या रखा। इस वाले पीछे वाले बोनेट में तो कुछ भी नहीं है, ओके भाई पीछे वाली डिक्की में कुछ भी नहीं था, आगे भी कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट गन एमोज बिखरी हैं, बट भाई मुझे शॉर्ट गन तो मिलती है नहीं, मुझे वही कंकर वाली गन चलानी पड़ती है, तो कोई बात नहीं भाई वही चलाएंगे। और ये अपना कटर है भाई, सेम भाई बिल्कुल सेम है जैसा ग्रेनी 1 में रहता वैसा इसमें भी है, तो चलो मैं इसको कट कर देता हूँ। इसके अंदर से हमको मिला है भाई एक कॉइन, ओके भाई जो कि काफ़ी सही है। अब मुझे पता है कि भाई इस कॉइन का क्या करना है, मुझे इससे खरीदना है भाई टिकट, बट अभी मैं टिकट नहीं खरीदने वाला हूँ भाई, अभी मैं क्या करूँगा भाई इस कॉइन को यहीं पे रख दूंगा। और इस कार के डिक्की के अंदर हमको मिली है ट्रेन की, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेन के ढूंढने में भी भाई हालत ख़राब हो जाती है, बट हमको नॉर्मली मिल चुकी है, तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ इसको देख के। आप देख सकते हो यहाँ पर हमको मिली है भाई ट्रेन की। अब चलो भाई इसको यहीं छोड़ देता हूँ और मैं अपनी आगे की चीज़ें ढूंढने चलता हूँ। मुझे चाहिए भाई एक वो सर्किट टाइप का कुछ आता है, एक एस्केलरेशन चाहिए बस, और भाई टिकट वगैरह का तो जुगाड़ हो ही चुका है, तो मैं ढूंढता हूँ भाई कि हमको वो कहाँ मिलने वाला है। तो इस तरफ भाई आपको याद होगा कि मैंने थोड़ा बहुत चेक किया था, बट अच्छे से चेक नहीं किया था, बट मैं यहाँ से वेपन की लेके वेपन ले लेने वाला हूँ अपना चल के भाई, क्योंकि मुझे चाहिए अभी क्रोबार, और वो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भाई क्रोबार। आप लोग सोच रहे होगे भाई कि क्या काम आएगा भाई भाई क्रोबार आप क्या करोगे, बट आपको पता नहीं है कि क्रोबार कितना ज़्यादा काम आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हम जो जो चीज़ें ढूंढ रहे हैं ना उसमें से एक से दो चीज़ तो हमको क्रोबार की मदद से मिलेगी, देखते हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है अभी भाई, मेरे को एक कंकर भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये गन कंकर से चलती है। अच्छा चलो भाई देखते हैं कि स्टोन कहाँ पे मिलने वाला है हमको, आगे की तरफ चमक तो रहा है कुछ, बट वो तो कॉइन है यार हमारा भाई, क्या यार आयुष भाई, मतलब मैं मुझे भाई खुद के ऊपर ही गुस्सा आती है यार कि मतलब
मैंने कॉइन रखा और भाई मैं उसको स्टोन समझने की गलती कर रहा हूँ। बट भाई छोड़ो, यहाँ पे हमको एक स्टोन मिल चुका है जो कि भैया बिल्कुल स्टार जैसा चमक रहा है। भाई रियल में जिसने स्टार देखा हो नीचे गिरते वो भाई बताना कमेंट में कि हाँ भाई मैंने देखा है। अभी देखो हमने यहाँ से स्टोन उठा लिया है, अब भाई स्टोन को लेके चलने वाला हूँ मैं। और भाई एक ग्लास तोड़ देने वाला हूँ, भाई ग्लास तोड़ देने वाला हूँ, और ग्लास तोड़ना काफ़ी ज़्यादा सूप भी होता है, तो भाई तोड़ा करो आप भी। बाकी मैं तो गेम में तोड़ने वाला हूँ भाई, रियल में तो कोई ना। देखो अब इसको नीचे लेके चलते बढ़िया तरीके से, और भाई उस ग्लास को मैं तोड़ के उसके अंदर हमको मिलेगा क्रोबार। आपको जिसको पता नहीं होगा क्रोबार कहाँ मिलता है, तो चलो मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ मिलेगा आपको क्रोबार। यहाँ से हमको नीचे की तरफ आना है सुरंग से, और बस इस वाले ग्लास को तोड़ देंगे। देखो भाई कितने बढ़िया तरीके से मैंने इसको तोड़ दिया। अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर की तरफ, और अंदर ही हमको मिल जाने वाला है क्रोबार। तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा। वेट से मैं सोच रहा हूँ भाई पहले इस अलमेरा को भी चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमको मिली है एक सेफ की। ओके भाई सेफ की अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में लेंगे सेफ की को, पहले हमको चाहिए क्रोबार। तो चलो भाई क्रोबार को ले लिया, मेरी गन यहीं पर रखी हुई है, सेफ की को यहीं पर छोड़ देते हैं। सेफ की बाय बाय, आएंगे तुझसे मिलने। और यहाँ से भाई सबसे पहले मैं देखता हूँ इसके अंदर एक टेडी, और भाई मैंने आपको बताया था टेडी से हम उसको मार सकते हैं सिलेंड्रिना को। तो भाई सिलेंड्रिना को उड़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो वैसे तो भाई ग्रैनी और एंड ग्रैंडफा की पोती है, बट बाकी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर है भाई, उनसे भी ज़्यादा। और एकदम से आके ऐसे डराती है ना भाई कि मतलब हाथ कांप जाता है फ़ोन को हाथ में पकड़े पकड़े भाई। चलो भाई इसको लेके ऊपर की तरफ मैं चलता हूँ अभी, और इस तरफ का डोर खुला है, ये वही वाला डोर है भाई जिसके अंदर आग वाग लगानी पड़ती है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं हम। और मैं इसको लेके आ चुका हूँ भाई यहाँ पे। हो हेलो ग्रेनी, हाउ आर यू भाई। इसको यहीं भी छोड़ देते हैं, और यहाँ पे एक शीड की रखी है जिसका कि भाई अभी कोई यूज़ मुझे लग नहीं रहा है। यूज़ तो है भाई बट अभी नहीं, अभी भाई पहले टेडी का यूज़ करेंगे उसके बाद शीड की का यूज़ करेंगे। तो चलो मैंने डोर को खोल लिया, और अब चलते ऊपर की तरफ। और भाई ऊपर चल के भाई मैं उड़ा देने वाला हूँ सिलेंड्रिना को हमेशा के लिए, भाई ख़त्म कर देने वाला हूँ। वैसे भाई बुरी आत्माएं समझ रहे हो ना, मेरा कुछ भी कर सकती है, बट भाई रिस्क लेंगे तभी फिक्स होंगे हम, तो भाई रिस्क तो लेना ज़रूरी है। अभी देखो यहाँ पे मैंने स्टडी को डाल दिया, आप इसको मरते हुए देखो भाई, सुनो इसका गाना, सुनो भाई इसका गाना। यहाँ पे भाई लोग हमको मिल चुकी है की, देखते हैं ये कौन सी वाली की है। ये है एक पेड लुक की जो कि भाई काफी ज्यादा काम की है यहाँ पे। और भाई हमने मारा सेंड्रिना को, तो भाई ये जो कि एक घोस्ट और एक आत्मा है। आपने कभी किसी आत्मा को मारा है भाई कमेंट में बताना, मुझे तो नहीं लगता मारा होगा कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष जिसने आत्मा को मारा, कोई हो ही नहीं सकता। बट भाई मैंने थोड़ा सा आपको गलत दिला जिसके लिए सॉरी, भाई मैंने उसको मारा नहीं, उसको मुक्त किया है भाई। और मुक्त तो कोई मतलब तांत्रिक वगैरह कर सकते हैं, मतलब वो भाई भटकती आत्मा थी, इसको हमने मुक्त कर दिया इस घर से। और यहाँ पे हमारी ग्रैनी जी हैं। हेलो ग्रैनी, हाउ आर यू भाई, सेकंड टाइम बोल रहा हूँ इसको, तो देख रहे हो भाई। पर ग्रैनी का कोई रिप्लाई नहीं है भाई, क्योंकि ग्रैनी हमसे डरती है, क्योंकि हमने सिलेंड्रिना इसकी पोती को मार दिया भाई, काफ़ी गलत किया ना। पर कोई बात नहीं भाई, चलता है। अभी मुझे ऊपर की तरफ जाना है, और बाहर भाई सॉरी बाहर की तरफ निकलना है मुझे। और आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में की है, इसको बोलते हैं शील्ड की। और भाई इस शील्ड की के अलावा भाई यहाँ पे मुझे एक स्टोन भी मिल चुका है, तो मैं एक पत्थर को ले लेता हूँ, और इस शील्ड के से भाई मैं खोल देने वाला हूँ शील्ड का जो गेट है वो। और उसको खोलने के बाद भाई लोग आपको ने सोचा भी नहीं होगा हमको क्या मिलने वाला है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिलने वाला है। अभी देखो इसको खोल दिया अब हमने इस वाले लॉक को, और इसके अंदर हमको क्या मिला देखो आप, एक मैच बॉक्स मिला भाई, मतलब समझ रहे हो। यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि यार हमने इतनी मेहनत करी पर भाई वो मैच बॉक्स मेरे किसी काम का नहीं, देख रहे हो भाई इतनी मेहनत हमारी चली गई पानी में। और पानी में हमको नहीं जाना है भाई, मेहनत चली गई तो चलता है, बट हमको नहीं जाना वरना मगरमच्छ खा जाएगा। चलो भाई थोड़ी सी भाई थोड़ी कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं भाई, आप लोग सपोर्ट करोगे तो और अच्छे अच्छे भाई बोलने के तरीके से मैं बोलूँगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे भाई मेरे सब्सक्राइबर सपोर्ट करते हैं। तो भाई लोग सपोर्ट क्या करो यार, कमेंट में बताया करो, जो गलत बोलूँ भाई जो गलत लगे वो बिल्कुल कमेंट में बता दिया करो, और जो सही लगे उसके लिए भाई थोड़ा अप्रिसिएट भी करो यार मुझे। समझ रहे हो आप नया यूट्यूबर हूँ भाई मैं, और यार सपोर्ट नहीं करोगे तो यार दिल से बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई लोग। तो चलो भाई इस क्रोबार को लेके चलना हमको ऊपर की तरफ, और मैं दिखाता हूँ आपको कि ये क्रोबार अब हमारे कहाँ काम आने वाला है। तो इसको मैं भाई सीढ़ियों से लेके चलने वाला हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक सीढ़ी लगी है जो कि ये भाई भूल भुलैया वाली सीढ़ी है, और इसके ऊपर मुझे चढ़ जाना है। और भाई इसके बाद मैं जाना वाला हूँ उसी सिलेंड्रिना के रूम में, बट भाई अब डरने की कोई बात नहीं, सिलेंड्रिना यहाँ पे नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मुझे यहाँ पे मिला है एन इलेक्ट्रिक क्लच। तो इस इलेक्ट्रिक क्लच का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, मैं आपको चल के दिखाने
वाला हो भाई क्या यूज़ है, बोल के नहीं भाई चल के दिखाएंगे आपको क्या यूज़ है। तो देखो इस वाले डोर को हमने खोला और इसके बाद भाई इस वाले रूम से मैं जैसे ही निकलूंगा नीचे की तरफ चलेंगे। और भाई आपने नोटिस किया होगा, अरे भाई नोटिस करोगे कहाँ से यार, जब दिखेगा तब तो करोगे। चलो भाई आपने नोटिस नहीं किया होगा तो अभी कर लेना। चलो मैं इसको लेके चलने वाला हूँ नीचे की तरफ भाई ट्रेन वाले रूम में। और भाई आपको पता है ट्रेन कहाँ होती है, ये वाली गुफा से हमको जाना है नीचे की तरफ और इसके बाद हमको मुड़ना है राइट में और हमको यहाँ पे मिल जाने वाली भाई हमारी ट्रेन। देखो तो भाई मैं इसको लगा देने वाला हूँ इलेक्ट्रिक क्लच को यहाँ की तरफ, जिसमें एक में नहीं लगा। अब मैं इसको कर देने वाला हूँ ऑन भी भाई। अब इसको ऑन करने से क्या होने वाला है वो तो खैर मुझे अभी नहीं पता, सच बता रहा हूँ भाई। लो मुझे लगा था भाई वो आगे एक जाली है वो ऊपर जाएगी, जो कि नहीं गई है यार, दिल से बुरा लगता है भाई। क्यों लाया मैं क्लच, और ये भाई एक टीटी जैसा फटिच्चा क्या घूम रहा है अपने आगे पीछे, मुझे कुछ पता नहीं है भाई। मतलब रोबोट अंकल तुम्हें बुद्धि है, हैं तुम्हें बुद्धि हो तो हमको यहाँ से भगा दो, और ना भगा पा रहे हो तो एक जगह खड़े हो जाओ। मतलब भाई टू ही टू ही टू ही टू ही करे पड़ा, छोड़ो भाई कोई मतलब नहीं। पर भाई वो ट्रेन का डोर नहीं खोलने वाला है तो भाई उसके लिए भी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और भाई मुझे अभी एक ही चीज़ जो अच्छी है भाई, सिर्फ एक चीज़ लास्ट, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म और मज़ा ख़त्म। बट भाई मज़ा इतनी जल्दी मैं आपका ख़त्म होने वाला नहीं देने वाला हूं। तो भाई हमको ढूंढना है अभी एस्केलरेशन, जो कि ढूंढने में भाई मुझे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है भाई। वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है वो, जो कि भाई मुझे समय तो लगेगा ढूंढने में और आपको मज़ा आएगा वीडियो में। तो देखो यहाँ पे हमको मिल चुका है कॉइन, तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि एक हम टिकट ले ही लेते हैं यार, क्यों मतलब चुप चुप के टीटी से भाई हम उस ट्रेन वाले रूम में जाएं, नहीं भाई बुरा लगता है, इसलिए भाई हमको चलना पड़ेगा इस कॉइन को लेके नीचे की तरफ। और भाई मैं टिकट खरीद के बकायदा उसके मुँह पर मारूंगा भाई टिकट, जैसे कि वो हमको इस बार रोके ना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको टिकट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से इसके अंदर अपने को डाल देना और यहाँ से निकलेगा भाई टिकट। निकल लोल हो गया भाई, यहाँ पे दबा के निकलना पड़। अब भाई मिल चुका है मुझे टिकट और इसको लेके चलने वाला हूँ उस टीटी के मुंह पे मारूंगा। देखो यहाँ पे खड़ा है टीटी, तेरे मुंह पे मारूंगा, टीटी को मार दिया मैंने। और भाई अब ये बड़े आदर और तेज से भाई डोर खोल रहा है, खोल दे, अरे हट नूब, कैसा टीटी है बे तू, चले जा यहाँ से, फटिचर किसने रखा तुझे भाई। मतलब डोर भी हमको अपने हाथ से खोलना पड़ा, तो ये खड़ा क्यों था बस देखने, हमारा मुँह देखने के लिए। छोड़ भाई कोई बात नहीं, चलता है यार, चलता है भाई, सब चलता है, ऑल इज़ वेल। तो चलो भाई अभी अपन ऊपर की तरफ चलते हैं। मैंने भाई अभी पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे चाहिए अब एक गन, और जो कि भाई मुझे याद है मैंने कहाँ पे रखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। वो मैंने गन रखी है ऊपर वही वाली सिलेंड्रीना के रूम में भाई। मतलब सिलेंड्रीना का कितनी बार नाम आ रहा है ना मेरे मुँह पर आज, जो कि भाई काफ़ी सही बात है, जो कि भाई काफ़ी सही बात है, सिलेंड्रीना का नाम आ रहा है मेरे मुँह पर। और चलो भाई अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैच बॉक्स भी ले लेता हूँ, चल के देखते हैं अगर उसका कुछ काम होगा तो। ऊपर की तरफ मैच बॉक्स भी ले लेता हूँ और भाई मुझे थोड़े बहुत स्टोन और कलेक्ट कर लेने, तो अगर यार मिल जाए तो काफ़ी सही बात हो जाएगी, और नहीं भी मिलेगा तो फिर भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तो है ही सही। तो भाई इसके बाद मजबूरी में भाई आटा गीला रहता है, तो भाई मजबूरी उठाएंगे यार, मजबूरी उठाएंगे। मैं भी क्या कैसे रद्दी रद्दी डायलॉग आपको मार रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई छोड़ो इसको। यहाँ पे मैं क्या शील्ड किसी काम की नहीं है, मैं सोच रहा हूँ भाई कि मैच बॉक्स ले लेते हैं यहाँ से भाई, इस वाली अलमारी के अंदर से, और इस मैच बॉक्स को मैं लेके चलने वाला हूँ। और आपको पता है भाई इससे क्या होगा, आग लग सकती है, और आग की तो भाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ठंड में, समझ रहे हो ना। इसके लिए लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक करोगे तो भाई आग लगा दोगे आप बिल्कुल भाई, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दो यार। इस वाली वीडियो पर इतनी लाइक करो ना कि अपनी मोस्ट लाइक वाली वीडियो बन जाए, सबसे ज़्यादा लाइक वाली, क्योंकि भाई मेहनत तो लगती है आपको पता है वीडियो बनाने में भाई, वॉइस दो, एडिटिंग करो यार, पता नहीं लफड़ा क्या क्या करना पड़ता है भाई एक वीडियो के लिए। और आप लोग लाइक नहीं करते तो भाई समझते हो ना, दिल से बुरा लगता है। तो भाई लाइक वगैरह कर दो, आपको भाई इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखाएंगे ना कि आप भी बोलोगे भाई। बस सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करोगे तो ये सब आपको पॉसिबल हो पाएगा भाई, कि मुझे भी लगेगा कि हाँ यार मेरी वीडियो बंदों को पसंद आती है। और जो चीज़ पसंद नहीं आती भाई वो बताओ बिल्कुल। तो भाई मुझे यहाँ के लिए चाहिए प्लैंक, वुड का प्लैंक, और भाई मैं यहाँ पे लेके आया था ये फायर मैच बॉक्स जो कि आप देख सकते हो। बट भाई मैं अभी ढूंढने नहीं वाला हूँ भाई वो प्लैंक हमको कहाँ मिलेगा। हेलो ग्रैंडफा, हाउ आर यू, भाई ग्रैंडफा से भी पूछ लेते हैं कि कैसे हैं ये, फाइन बोलो ना ग्रैंडफा, मतलब बुरा लगता है आप फाइन क्यों नहीं बोलते हमें। ठीक है हम फाइन है भाई, ग्रैंडफा भी फाइन है, मैं बोल देता हूँ ग्रैंडफा की तरफ से कि आई एम फाइन छोटू दादा। तो चलो भाई हमको ग्रैंडफा जी ने फाइन बोल दिया। मैं जी ले लेनी है यहाँ से गन, आप देख सकते हो ये अपनी गन, और भाई इस गन को लेके चलूँगा मैं, उस पर निशाना लगाऊंगा भाई आपको जो ऊपर की तरफ बाउल दिख रहा है, तो उस बाउल पे मैं शूट कर देने वाला हूँ। वो बाउल गिर चुका है उस तरफ, आप देख सकते हो किस तरफ गिरा है, तो मुझे एक और बाउल गिराना है भाई अभी, एक ही बाउल से काम नहीं होने वाला है, एक और बाउल गिराना पड़ेगा। यहाँ पे पेडलॉक की पड़ी है जिसको मैं नीचे फेंक देने वाला हूँ, जैसे कि भाई सिलेंड्रीना बाय बाय, इस रूम में हमारा लास्ट दिन और लास्ट बार हमारा आना, बाय बाय भाई, काफ़ी याद आएगी सिलेंड्रीना तेरे रूम की हमें, बट भाई छोड़ना तो पड़ेगा हमको। तो हमने छोड़ दिया सिलेंड्रीना का रूम, अब मैं चलने वाला हूँ ऊपर की तरफ, मुझे एक और बाउल गिराना है। चलो मैं आपको चल के दिखाता हूँ, जो कि भाई यहाँ से सामने ही दिख जाने वाला है वो रहा ऊपर की तरफ। तो भाई इस वाले बाउल को भी मुझे गिरा देना, यहाँ पर ग्रेनी खड़ी है
भाई ग्रेनी कुछ क्यों खड़ी है भाई, ग्रेनी उसके जैसी है। मतलब आपने कोई पुराने जमाने का मतलब पिक्चरों देखी होगी जिसमें, या कार्टून वार्टून में भाई, मतलब महल की रक्षा के लिए वो खड़े रहते हैं लोहे के ढांचे, वैसे ये लोहे के ढांचे है भाई मेरे सामने और कुछ भी नहीं। कि हम तो भाई आपको बताए कौन है आयुष दादा। चलो इसके बाद भाई इसको लेके चलते नीचे की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये ऐसे काम नहीं करेगा ये बाउल, और हमने ये क्यों लिया है वो भी आपको बताना पड़ेगा भाई, वरना आप सोचोगे कि आयुष भाई हमने बाउल ले लिया और बताओगे है नहीं भाई कि किस काम आएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, इस बाउल को लेके चलना है भाई। अभी ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है, तो भाई हल्के काम में भाई काम नहीं बनने वाला, अपने को भारी करना पड़ेगा। तो मैंने इसके अंदर भर लिया है भाई पानी, जिससे कि अब ये बाउल हो चुका है फुल और भारी भी हो चुका है भाई, मतलब वजन आ चुका है। और इस वजन को अपन किसी के ऊपर डाल देंगे तो वो दब जाएगा, जानते हो ना भाई, किसी के ऊपर वजन डाल दो तो वो दब जाता है। तो भाई वैसे ही अपने को दबा देना है। अब किसको दबाना है वो मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। तो आगे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये वाला रूम, और इस रूम के ऊपर यहाँ पे हम इसको डाल देने वाले, और एक बाउल को इधर डाल देने वाले। तो अभी देख सकते हो मैंने दोनों तरफ का कर दिया है, नीचे की तरफ वजन डाल दिया दोनों पे। अब हमको चाहिए भाई पैडलॉक की, और बस पैडलॉक की मिलते ही मुझे भाई पूरा मुझ पे खुद पूरा विश्वास है कि भाई मुझको पैडलॉक की वजह से इस वाले ये जो भाई ताला इसको खोलने के बाद मुझे अंदर से क्या मिलने वाला भाई, एस्कलरेशन भाई, मुझे खुद पे विश्वास है। और अगर आपको भी मुझ पे विश्वास है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो आपको मज़ेदार देखने को मिलती रहेगी, हॉरर वीडियो। और भाई नॉर्मल भी मिलेगी यार, कॉमेडी टाइप के कुछ नए नए गेम्स ट्राई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा दिलाने की कोशिश भी करेंगे भाई। मतलब 100% तो नहीं बोल सकता हूँ भाई आपको मज़ा आएगा या नहीं, बट कोशिश भाई। देखो इसके अंदर खोलते, और इसके अंदर हमको मिल चुका है एस्कलरेशन, मिला ना भाई। तो चलो भाई मैं सोच रहा हूँ फेस रिवील भी करने का बहुत जल्दी आपके सामने, बट भाई वो करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और हमको जल्दी से भाई कुछ अच्छे बड़े पद पे पहुँचाना पड़ेगा, वरना भाई घर वाले मार डालेंगे यार, बोलेंगे मतलब ये सब क्या तू क्या बकचोदी क्या कर रहा है भाई, इसलिए समझते हो ना। तो इसलिए भाई मैंने यहाँ पे एस्कलरेशन लगा दिया है, और इसके बाद भाई अभी तो मुझे चलना है ऊपर की तरफ। अब भाई मेरा पूरा काम शॉर्ट हो चुका है भाई, अब मुझे बस बताऊँ क्या लाना है, बस मुझे लाना है भाई ट्रेन की, बस ट्रेन की लाना, और हमारा यहाँ पे गेम द एंड हो जाने वाला है। तो चलो कहाँ गई ट्रेन की, अरे यार इतना क्या कंफ्यूजन हो जाता है भाई मुझे। अब बाहर की तरफ चलो, हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, और इसी के अंदर रखी थी ट्रेन की, मुझे पता है इस कार के पीछे वाली डिक्की में। तो चलो हमने ट्रेन की उठा ली है, और भाई यहाँ पे अपना गेम एंड हो जाने वाला है। चलो मैं आपको भाई पूरा करके दिखाऊंगा कि कैसे ग्रेनी हमको क्या मतलब ग्रेनी का एक्सपीरियंस, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ग्रेनी का एक्सप्रेशन कैसा होने वाला है, समझ रहे हो ना। तो भाई वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा होने वाला है, और भाई शायद सिलेंड्रीना भी बीच में आ जाए, क्योंकि आपको पता है भाई आत्मा को हम मुक्त कर सकते हैं, मार तो नहीं सकते हैं, तो भाई सिलेंड्रीना वापस भी आ सकती है, जो भी करेगी भाई हम तो यहाँ से निकल जाने वाले हैं। अब ये मैंने सब फिट फाट कर दिया, देखो भाई मैं एक चीज़ के लिए कन्फ्यूज़ था, अभी भी कन्फ्यूज़ हूँ मैं भाई, और पहले भी था कि भाई ये आगे की जो जाली नहीं खुली इसकी वजह से ट्रेन में दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि भाई मैंने वहाँ का जो इलेक्ट्रिक क्लच था उसको तो भाई मैंने ऑन कर दिया, फिर भी आगे की जाली आप देख सकते हो वो भाई, अब मैं जो डोर लगा लेना है वो भाई खुली नहीं यार, तो मतलब ट्रेन में इतनी पावर है कि उसको तोड़ देगी, ये चीज़ देखना पड़ेगा। चलो ट्रेन को चालू करते हैं, और देखो अभी हम यहाँ से भाई स्केप कर जाने वाले हैं। अब ग्रेनी का क्या एक्सप्रेशन होता है वो देखो, मतलब भाई वो क्या करने वाली है, खड़े होके ओके भाई पीछे गई थी थोड़ी ट्रेन, और ये देखो बूम भाई तोड़ दिया ट्रेन ने, कितना बढ़िया भाई। और ग्रेनी एंड भाई सिलेंड्रीना आ जा बीच में यार, क्यों हमारी बेइज्जती करवा रही है। तो देखो भाई ये दोनों यहाँ पे खड़े, आपको वीडियो में आया मजा तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर नए तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, ऐसे ही हॉरर गेम आपको हम दिखाते रहेंगे।